गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं कल मुंबई आ गई थी और एज यूजुअल हमेशा घर पे ऐसा होता है कुछ प्लान जरूर नहीं बन जाता है, तो हम सब रेडी होकर जा रहे हैं कहाँ ये वीडियो में आगे देख लेना, बट फिलहाल के लिए चलो चलें बिकॉज बहुत लेट हो चुका है और जहाँ हम जाने वाले हैं वो टाइम पे बंद हो जाता है। तो भागो। कि तुम लोग जब आए तब इतना भीड़ था, कम था उस दिन। अभी खुल रहा है ना, धीरे धीरे दिवाली भी आ रही है। क्या करेंगे? तो लिफ्ट के लिए बहुत लंबी लाइन थी इसलिए हम लोग चल के जा रहे हैं। लिफ्ट बहुत बड़ी है, काफी सारे लोग साथ में आ सकते हैं, बट लाइन बहुत लंबी थी तो हम सब चल के जा रहे हैं। चलो चलो। वुमेन सेंटर। सो दिस इज द क्यू। लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है और हम आ गए हैं। यस, आइकिया फाइनली। मैं बहुत बार जा चुकी हूँ यूएस में, पर मैं इंडिया वाले में पहली बार जा रही हूँ। सो लेट्स सी देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है यहाँ का। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने कितनी भीड़ होगी। बट यहाँ दिवाली आ रही है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो सभी लोग शॉपिंग करने आते हैं। So crowded, oh my god. I'll try to show you guys यहाँ पे क्या क्या अच्छा मिल रहा है, but I'm not sure because बहुत ज़्यादा भीड़ है। So हम लेने आए हैं ट्रॉली। हाँ, एक और ले लेते हैं। So अगर आप ट्रॉली ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ से ऊपर आएंगे फर्स्ट फ्लोर पे और लेफ्ट मारते ही ट्रॉली है। हाँ थोड़ा बड़ा है लेकिन ये इतना बड़ा नहीं चाहिए अपन को। हाँ सब प्राइस हजार मम्मा 11,000। सो हम ले रहे हैं यहाँ से लिंट रिमूवर। ये बहुत ही काम आता है, जो हमारे कपड़ों में रुए लग जाते हैं उस पे से रब कर दो एंड दैट्स ऑल दैट्स समथिंग। मम्मा के लिए भी ले लो एक। एंड दैट्स अ डाइनिंग टेबल। सो बेसिकली उन्होंने पूरा सजा कर रखा होता है 2 BHK टाइप्स। हाँ पर कहाँ दिख रहा है। सो टेबल्स नाइस अंकल। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड मम्मी एंड एवरीवन। पता नहीं कहाँ गए, ढूंढती हूँ। सो देयर आर वैरायटी सोफा। आई एम लाइकिंग इट। हम लोग एक्चुअली घूम गए थे, आधे लोग यहाँ आधे लोग वहाँ हो गए थे, अब सब लोग इकट्ठा हो गए एंड नाउ वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स सम अदर कॉर्नर। लेट्स सी व्हाट वी फाइंड। अभी तक हमने थोड़ा सा सामान लिया है, सब दिखाऊंगी बाद में क्या कर लिया। एंड आई रियली लाइक दिस किड्स रूम, सो क्यूट। हाँ बहुत ही प्यारा बनाया है। यानी एक पोर्शन है ना ये। अच्छा उधर भी है, जुड़ा हुआ है। नहीं नहीं आई थिंक इट्स साथ में है, मतलब बहुत अच्छी चीज है। बच्चों के लिए रेडी। बेसिकली आई हैव अ वाइट कलर ड्रेसिंग, उसके लिए मैं बहुत ऐसे चेयर या स्टूल ढूंढ रही थी, तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं लेकिन पता नहीं ये सही है कि नहीं। लेट्स सी। वैसे है ये किड सेक्शन से, बट आई लाइक इट। बट आरना के लिए हो जाएगी नहीं आरना तो।
कितने की है ये? 600। सही लग रही है, ले लो ये एक जैस्मिन कलर्स। बट हमारी ड्रेसिंग मतलब व्हाइट कलर का फर्नीचर है, इसलिए व्हाइट लेना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो बाय पिंक कलर, हमारा वॉल पिंक कलर का है, पिंक ले ले। पिंक जो कलर चाहिए मुझे नहीं मालूम, लेट्स से पिंक देन फॉर श्योर। ये ऐसा ही ये देखेगा, हाँ चलेगा, पिंक ले लो। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द किचन सेक्शन। हम लोग को डस्टबिन चाहिए कवर वाले, देखना। बॉटल लेनी है? नहीं, बॉटल वेस्ट होती है, उनके देने से। दिस फैंस आर नाइस। हाँ ये जरूरत है, छोटा ले लो। इसे लगा नहीं? हाँ ये एक ले लो, एक लिया अपन लोगों ने। तुम्हें इतने क्या राय बदलना? हाँ सेम है। आई लाइक दिस, ये अचार रखने के काम आ सकते हैं। 169 का है। तीन भी है इसमें। एंड अपने पास थी वैसे यूएस में। चलो भैया आगे। सो ऑल द मीडियम साइज प्लेट्स आर सोल्ड आउट, ओनली बोल्स हैं और स्टार्टर प्लेट्स हैं। पता है वो मिरर्स और लाइट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। जो है ना अंकित, पता नहीं लाइट्स ले रहे हैं, बहुत देर से यहीं पर हैं। लेट्स सी उन्होंने क्या लिया है, बट फाइनल किया है। हाँ मिल गए, कुछ तो लिया है उन्होंने। ले लिया कौन से? दिखाओ कौन सी। ब्लैक कलर की छोटी। हम लोग थक कर बैठ गए हैं, तब तक चीजू और अंकित लाइट्स ले रहे हैं। उफ टायर्ड, वी आर टायर्ड बट स्टिल फाइंडिंग सम। आ रहे हैं मम्मी, मम्मी शॉपिंग कर रही हैं, बहुत सारी शॉपिंग। एंड दैट्स माय फेवरेट कॉर्नर, फाइनली फाउंड आवर मिरर्स। मैंने काफ़ी कुछ सुना था यहाँ के मिरर्स के बारे में, चलो देखते हैं। ओके रेस्टोरेंट फर्स्ट फ्लोर, बट अगर वहाँ खाना है तो जो सामान लिया है हमने उसे लॉकर में रखना पड़ेगा। और इस फ्लोर पे जहाँ पे बिलिंग है वहाँ पे सिर्फ खाने के कुछ ही ऑप्शन है, जैसे एक पिज़्ज़ा स्लाइस और पिज़्ज़ा पफ है, तो इनमें से कुछ खाना पड़ेगा और बहुत भूख लगी है, तो चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। हमने खा लिया है, सामान ले लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। मैं घर जाने के बाद बताऊंगी कि कैसा था मेरा एक्सपीरियंस और आपको आइडिया जाना चाहिए या नहीं, ठीक है? तो चलो। तो हम लोग घर आ चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा सर भी दर्द हो रहा है, बट आइकिया का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। तो जैसे लोग पूछना चाहते हैं बेसिकली कि कैसा है, सस्ता है महंगा है, तो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि बहुत महंगी है, जैसे कि फर्नीचर मुझे लगा बहुत एक्सपेंसिव है फॉर नो रीज़न। मैंने ऑलरेडी वैसा फर्नीचर बाहर देखा है और किसी से बनवाने की बात भी की है, पर वो इतना महंगा नहीं पड़ रहा है जितना मुझे आइकिया में नज़र आया। कुछ चीज़ें नॉर्मल प्राइस में मिल रही हैं, जैसे मार्केट में मिलती हैं किचन का सामान, क्रॉकरी, कंटेनर्स, ये सब नॉर्मल प्राइस में मिल जाएगा आपको वहाँ पर। सेकंड थिंग जो मैंने नोटिस की वो ये है कि इंडिया में बहुत हाइप कर दिया है आइकिया आइकिया, पर इतना हाइप है नहीं। मैं ऑलरेडी यूएस वाले आइकिया जा चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे कैसा है और यहाँ पे कैसा है। बहुत चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि वहाँ पर क्या मिल रहा है, जैसे कि हम पिलोज ढूंढ रहे थे पर हमें कहीं नज़र नहीं आई, हमने बहुत ढूंढी पर कोई बताने वाला भी नहीं था। जीजू ने एक लाइट देखी पर उसका बल्ब कौन सा लेना है और कहाँ मिलेगा किस कॉर्नर में वो भी समझ में नहीं आ रहा था, तो कोई हेल्प करने के लिए नहीं था।
क्रॉकरीज हम लेने गए तो प्लेट्स जो होती हैं जो बड़ी नॉर्मल प्लेट्स खाना खाने वाली थी वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी। सब सारे कलर्स में सिर्फ नॉर्मल प्लेट्स बची थी, छोटी वाली और बोल्स बचे हुए थे। सो ऐसा कुछ बहुत चीज़ें थी जो आप मतलब आपको समझ नहीं आता करना क्या है, ले नहीं ले, और आधी चीज़ें ऑनलाइन मंगानी पड़ेंगी, बहुत सारा किस था। बट अगर आप आइकिया नहीं गए तो ज़रूर जाइए, मेंटली प्रिपेयर होके जाना कि बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली थक जाओगे, टाइम लेके जाना बिकॉज ढूंढने में बहुत टाइम लगने वाला है। एक्सपीरियंस मैं बहुत बार होम सेंटर जाती हूँ तो मुझे लगता है वो थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज, मुझे लगता है ईजिली चीज़ें मिल जाती हैं, पता होता है इस कॉर्नर में ये है उस कॉर्नर में वो है, यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट है। चीज़ें बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ऑब्वियसली, बट वही है कि यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम, पेशेंस एंड शांति से ढूंढ पाना, सिलेक्ट कर पाना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। पर वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, और आज संडे भी था सो वो भी एक ड्रॉबैक है। बट अदरवाइज़ मुझे लगता है क्योंकि मैं आईकिया US वाले गई हूँ तो मुझे डेफिनेटली वो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा बिकॉज वो बहुत टाइम से वहाँ पर है, इंडिया में नया खुला है तो देर इज़ नो कंपेरिजन फॉर श्योर, चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी आपको। अगर आप नहीं गए हो अब तक तो ज़रूर जाना एक बार, इट्स गुड। बट ये सोच के मत जाना कि मुझे वहाँ से ये मिल ही जाएगा या मैं वहाँ से ये लेकर ही आ जाऊँगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। होप आपके साथ, हम बहुत कुछ सोच ही गए थे कि हमको ये लेना है वो लेना है पर हम नहीं ले पाए। सो ये चीज़ें हैं जिन पर आप ध्यान दीजिएगा एंड दैट्स इट। नेक्स्ट व्लॉग मैं बनाऊँगी आईकिया शॉपिंग हॉल ताकि आपको पता चले कि मैंने वहाँ से क्या लिया और कितने में लिया। सो या नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना एंड आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय किया हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपना ख्याल रखना, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जाती हूँ, सर दर्द की दवाई खाती हूँ, बहुत सर दर्द हो रहा है। टेक केयर, बाय, गुड नाइट, टाटा।